नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं अपने ताऊ वैद्य रामेश्वर दास जी के पास हूं, जो हिसार जिले के गांव बालावास में रहते हैं। इससे पहले अब तक कुंवारी, कुंवारी से अगला गांव है बालावास। और मेरे ताऊ का बहुत पुराना, वर्षों पुराना संबंध है। और पिछले एक साल में ताऊ का एक इंटरव्यू मैंने किया था और वो इंटरव्यू इतना लोकप्रिय हुआ कि मुझे लगा कि इस बार ताऊ से एक इंटरव्यू और किया जाए जिस पे ऐसी बीमारियों का इलाज पूछा जाए जो घर पे हो सकता है। क्यों ताऊ? हाँ। उसके लिए अब बालावास आने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आजकल एक जुकाम बहुत होता है। हाँ, जुकाम का घर पे इलाज बताओ। जुकाम को सिटीजन है वैसोलोन, आजकल हाइड्रोकोर्टिसोन जो दे रहे हैं, ये शरीर को भी बिगाड़ रहे हैं और जुकाम को तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ये तत्काल एक बार नाक का पानी भी रोकता है, छींके भी रोक देगा, लेकिन परिणाम बड़ा घातक होगा। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ी बात है बढ़िया घर पिसी हुई हल्दी। हाँ, एक एक चम्मच 3 दिन ले लो। कैसे? पानी से फाक लो, पानी के साथ या दूध के साथ ले लो तो और भी बढ़िया है। अच्छा। कई तो दूध में उबालते हैं, ना उबाले कोई, पीला पीला ना पिया जाए तो एक चम्मच मुंह में डालो हल्दी, ऊपर से एक कप दूध पी लो। 3 दिन और 3 दिन में जुकाम और सूखी खांसी, गले की बीमारी, क्योंकि हल्दी के अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक है। पर शुद्ध होनी चाहिए हल्दी ना? हाँ, शुद्ध होनी चाहिए। और नेचुरल एंटीबायोटिक ओनली हल्दी नहीं है और किसी में नहीं। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं? ना, कोई दवाई नहीं, बिल्कुल जुकाम ठीक हो।